हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश हेयर। वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग क्लासेस। आज हम लोग लूपिंग में एक और चीज़ देखेंगे, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक स्टेटमेंट। हम लोग आज समझेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आपको बताए थे क्या कि लूप का एक ओरिजिनल प्रॉपर्टी का बताए थे कि कोई भी लूप है, मतलब व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो, फॉर लूप हो, कोई भी लूप जब हम लोग लगाते हैं, ठीक है, वो तब तक कंटिन्यू आइट्रेट करते रहता है जब तक कंडीशन उसका क्या रहता है, ट्रू होता है, ठीक है। और लूप अपने आप रुक जाता है जब कंडीशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बात समझे? मतलब लूप को आप नहीं रोक सकते हैं जब तक उसका कंडीशन क्या है, ट्रू। मतलब जब तक ट्रू रहेगा, लूप कंटिन्यूअसली इटरेट करते रहेगा, समझे। हमेशा वो एक स्टेटमेंट को, उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसके वो एग्जीक्यूट करवाते रहेगा जब तक कंडीशन क्या रहेगा, ट्रू रहेगा तब तक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक मेरे पास लूप है, यहाँ पे आई का वैल्यू 1 रखने, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक लूप लगाया फाइव आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा प्रिंट इफ, मान लीजिए हेलो, ठीक है, और देन यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये सिंपल सा हमने स्टेटमेंट लिखा है, ओके। अब इस स्टेटमेंट से आप क्या समझ रहे हैं कि ये लूप कितने बार आइटरेट करेगा, जब तक आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक। मतलब आई का वैल्यू 1 के लिए चलेगा, आई का वैल्यू 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा लूप, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा, क्योंकि 1 के केस में भी लूप ट्रू है, इसमें भी ट्रू हो जाएगा, इसमें भी ट्रू, इसमें भी ट्रू, इसमें भी ट्रू। जैसे ही आई का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा, लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये लूप रिपीट करते रहेगा, ओके। कैसे लूप का वर्किंग प्रिंसिपल है हम सबको सेपरेट सेपरेट वीडियो में बताएं। व्हाइल लूप का अलग वीडियो है, फॉर लूप का अलग वीडियो है, और डू व्हाइल लूप का अलग वीडियो है, हमने सबको अलग अलग करके बताया है, चलिए। लेकिन आज हम लोग को समझना है कि लूप का जो एक पार्ट है, दैट इज द ब्रेक स्टेटमेंट, इसका क्या काम होता है लूप में, ठीक है। तो इसी के प्रॉपर्टी से इसको हम लोग को देखना होगा। लूप का क्या बताया कि लूप बाहर कब आता है, जब लूप का कंडीशन क्या होता है, फॉल्स होता है तब, और लूप का कंडीशन ट्रू रहता है तो सेम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराते हुए ये लूप रिपीट करता है। मतलब ट्रू के केस में कभी लूप बाहर नहीं आता है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप आइट्रेट करते रहेगा। ये द ओरिजिनल प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, ठीक है, सी ने एक स्टेटमेंट दिया, दैट इज कॉल्ड ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं आप कि लूप का कंडीशन सही रहते हुए भी, ठीक है, आप लूप को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है, फोर्सली रोक सकते हैं। कंडीशन सही है तो भी हम लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं, ओके, समझ में आ रहा है। इसका मेन काम यही है, लूप का जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है कि वो कंडीशन गलत होने पे ही टर्मिनेट होता था, लेकिन हम क्या करें कि अगर हम लूप के अंदर ब्रेक यूज करेंगे तो लूप का कंडीशन सही रहते हुए भी हम उसे क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट करवा सकते हैं, ओके, समझ आ रहा है। तो सर कैसे, तो हम आपको एक एग्जांपल देके हम बता रहे हैं किस तरह से ये काम करेगा। अभी तो आप सिंपल सा एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई भी लूप आप लगाइए, चाहे किसी भी लूप में ब्रेक कंटिन्यू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसको नहीं होता है, ठीक है। हम लूप का बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी लूप हो। देखिए यहाँ पे, जैसे अगर मान लिया जाए हमने एक लूप लगाया, ठीक है, व्हाइल लूप लगाया, ठीक है, सिंपल सा चीज हम बता रहे हैं। इसके अंदर कुछ सेट ऑफ क्या है, इंस्ट्रक्शंस है, और इस इंस्ट्रक्शन के बाद हमने क्या लिखा है, एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है, क्लियर है। मान लीजिए लूप में जो कंडीशन यहां पे देते हैं वो ट्रू है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू, अंदर आएगा लूप का सारा इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेगा, क्या मिला, ब्रेक, ना ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा ना, तो प्रोग्राम का जो पॉइंटर जो चल रहा था इसको डायरेक्टली लूप से बाहर, मतलब बाकी का रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को छोड़ देगा, जहां पे ब्रेक मिलेगा उसी वहीं से लूप टर्मिनेट कर जाएगा। अब लूप कभी भी आइट्रेट नहीं करेगा, क्योंकि क्या मिल गया, ब्रेक हो गया, कंडीशन सही रहते हुए भी, समझे। इट इज द मेन पर्पस ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। आपको एक हम वैलिड एग्जांपल दे रहे हैं, वैलिड एग्जांपल मतलब कि जिससे आपको समझ में आए कि ब्रेक स्टेटमेंट जनरली लगाते कैसे हैं प्रोग्राम में, ठीक है। आप यहां पर समझिए, यहां पर जैसे मान लीजिए कि हमने कोई काम करने के लिए दिया, मान लो सपोज करो कब किस सब कैसा प्रोग्राम में हम लोग ब्रेक लगाएंगे, ये चीज को समझना है। मान लीजिए कि मेरे पास लिस्ट में डेटा है, सपोज कीजिए मेरे पास लिस्ट है 2, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और मुझे इस लिस्ट का डेटा में से किसी पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना है,
ठीक है, मुझे सर्च करना है सिक्स को, तो हमें लूप लगाना होगा, सिक्स का कंपेरिजन इससे करना होगा, इससे करना होगा, इससे करना होगा, मुझे लूप तो मैक्सिमम लगा देना होगा लास्ट एलिमेंट तक लगाएंगे, और मुझे जो डेटा है वो हमें यहीं पे मिल गया, ठीक है, तीसरा पोजिशन पे डेटा मेरा क्या हो गया, मिल गया। तो लूप हमने सेट किया था फ्रॉम वन वन टू, यहां तक सेट किया था लूप, ठीक है, बात समझे, एक एक दो तीन चार पांच छह वन टू सिक्स तक हमने लूप सेट किया था, लेकिन मेरा डेटा तीसरा पोजिशन पे ही मिल गया, तो क्या लूप मेरा सिक्स तक चलना चाहिए, नहीं ना, तो हमने कंडीशन लगाया था कि हाँ पॉसिबिलिटीज है कि वहां तक जाने पर डेटा मिल जाए, लास्ट कंडीशन हमने लगाया था, लेकिन बीच में ही मेरा काम हो जा रहा है, तो क्यों हमारा लूप चलना चाहिए बिना मतलब का, वो लूप मेरा आइटरेट करेगा, कोई मतलब नहीं बनता उसका, तो इस सब सिचुएशन के लिए ब्रेक दे दिया, ठीक है, कि आप लगा दो पॉसिबिलिटीज लूप लगा दो कि यहां से लेकर यहां तक जाना, मैक्सिमम यहां तक जाना, ठीक है, और बीच में ही अगर काम हो जाए तो लूप वहीं से रुक जाना चाहिए, क्लियर है, समझे, तब वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं, समझ रहा, तो अब यहां पे समझिए, तो जब भी ब्रेक देंगे तो कोई कंडीशन के हिसाब से देंगे, जैसे हम यहां पे देते हैं कि जब मेरा इफ आई इक्वल इक्वल टू कहां पहुंच गया, थ्री पहुंच गया, तब ब्रेक लगना चाहिए, बात समझे, क्लियर है, तो जब तक आई का वैल्यू थ्री तक नहीं पहुंचेगा ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं होगा, आप देख सकते हो यहां पे, क्योंकि यूज नहीं होगा इसलिए क्योंकि कंडीशन के अंदर डाले हैं, तो लूप के अंदर जब ब्रेक लगाएंगे तो कंडीशन के अंदर ही डालिएगा, अगर ऐसे डायरेक्टली ब्रेक लगा देंगे तो अगर डायरेक्टली ब्रेक लग रहा था तो क्या हो रहा था कि इसको पढ़ेगा इसको पढ़ेगा फिर ब्रेक पढ़ के वापस आ जाएगा एक ही बार में फर्स्ट टाइम में, ठीक है, तो एक सिचुएशन होना चाहिए कि कब ब्रेक करना है, वो कंडीशन आपको लूप के अंदर क्या करना है, लगाना है, पुट करना है, ठीक है, तब उसके अंदर ब्रेक लगाना है, क्लियर है, एक अब एग्जांपल देखते हैं, चलिए फिर यहां पे एक एग्जांपल हम यहां पे देख ले ब्रेक का, देखिए जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हमने यहां पे आई का वैल्यू कितना रखा हुआ और लूप सेट किया व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू फाइव, देखिए कंडीशन, ओके चलिए देख यहां पे अगर बात करें तो हमने यहां पे लिखा इफ आई इक्वल इक्वल टू थ्री, ठीक है, और यहां पे हमने क्या लगा दिया ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, और देन नहीं तो एक स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं प्रिंट इफ, यहां पे हेलो को हमने प्रिंट करवाया और आई इक्वल टू आई प्लस वन, दिस इज अ चेंज स्टेटमेंट, चलिए ये काम कैसे करेगा और क्या आउटपुट आएगा यहां पे देखिए, जैसे आई है आपके पास, आइए यहां पे हम आउटपुट लिख रहे हैं, आई का वैल्यू कितना वन, लूप काउंटर कितना सेट हुआ वन से सेट हुआ ना, लूप काउंटर के बाद कंडीशन पे गया वन लेस देन फाइव, कंडीशन क्या है ट्रू, कंडीशन ट्रू होगा लूप के अंदर आएगा प्रोग्राम पॉइंटर देखेगा आई का वैल्यू इक्वल टू थ्री है नहीं ना, तो इफ के अंदर नहीं जाएगा कंट्रोल, ठीक है, तो डायरेक्टली यहां से कहां आएगा इस स्टेटमेंट पे, ठीक है, क्या प्रिंट करेगा हेलो प्रिंट करेगा, ठीक है, और आई इक्वल टू आई प्लस वन, वन का वैल्यू कितना टू, इसको पढ़ेगा फिर लूप यहां से ऊपर जाएगा कंडीशन को चेक करने के लिए, फिर कंडीशन टू है यहाँ पे क्योंकि टू लेस देन फाइव है, कंडीशन फिर से क्या हो गया ट्रू हो गया ना, चलिए ट्रू होने के बाद यहाँ पे देखेगा आया आई का वैल्यू थ्री नहीं है, तो फिर से इसमें नहीं जाएगा प्रोग्राम कंट्रोल फिर से यहाँ, और इसके लिए फिर से क्या प्रिंट करेगा हेलो, और दो से कितना हो गया तीन, ठीक है, फिर से लूप ऊपर गया थ्री लेस देन फाइव है, कंडीशन फिर से क्या हुआ ट्रू है, फिर यहाँ आया तो यहाँ कंडीशन जब चेक किया तो यहाँ आई का वैल्यू थ्री के बराबर है, यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू क्या है थ्री के बराबर है, ये कंडीशन ट्रू हो गया ना, जब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रोग्राम का कंट्रोल इधर नहीं जाकर कहाँ आएगा इसके अंदर आ गया इफ के अंदर, इफ के अंदर क्या मिला ब्रेक, और ब्रेक मिलता है तो प्रोग्राम का कंट्रोल को बाहर कर देगा लूप से, ठीक है, लूप यहीं पर टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं लूप का कंडीशन सही है तो भी मेरा लूप रुक गया मात्र दो बार ही हेलो प्रिंट किया, क्योंकि तीसरा बार में उसे क्या मिल गया ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया, तो तब वहां से हम यहां से वापस आ गए, ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है फोर्सली लूप को टर्मिनेट करने के लिए, कंडीशन सही रहते हुए भी एक सिचुएशन के आधार पर कि हाँ ये वाला जब हो जाए तो लूप रोक देना, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी तरीका से समझ में आ रहा होगा किस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट काम कर रहा है, एग्जांपल आप समझ रहे हैं, ठीक है, ओके चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट, अभी के लिए इतना ही।